call me a god. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ओपन हेयर स्टाइलिंग। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेयर स्टाइलिंग जो हमने अभी बनाई है, उसका मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने ये ओपन हेयर स्टाइलिंग बनाई है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि हमें एक अच्छी हेयर स्टाइलिंग के लिए एक अच्छी क्रिम्पिंग करना हेयर पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस, जो हम क्रिम्पिंग यूज़ कर रहे हैं वो मैं एक आइकॉनिक की यूज़ कर रहा हूँ और एक मिस्टर बारबर की यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस, हमें क्रिम्पिंग जो करनी है, हमें फ़ाइन फाइन सेक्शन लेके अच्छे से क्रिम्पिंग करनी है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट के जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और डेंसिटी इनके बालों में बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छा सा एक वॉल्यूम क्रिएट करना है हमें। और गाइस, जैसे कि हम नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग के लिए जो हम कर्ल्स करते हैं उसके लिए हम हमेशा सेक्शन जो निकालते हैं हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, और हमें इस वाली हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें हमेशा सेक्शन वर्टिकल सेक्शन निकालना है। वो ये हम वर्टिकल सेक्शन क्यों निकाल रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि हमने वर्टिकल सेक्शन क्यों निकाले हैं। और गाइस, जो हम कर्ल्स कर रहे हैं वो हम आउट कर्ल्स कर रहे हैं, और अगर आपको आउट कर्ल्स नहीं आते तो इसके मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप आउट कर्ल्स सीख सकते हो कि किस तरीके से हम प्रेसिंग से आउट कर्ल्स कर सकते हैं। और गाइस, आपको जो कर्ल्स करने हैं वो आपको लूज कर्ल्स करने हैं, ज़्यादा टाइटली कर्ल्स नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी क्लाइंट की जो डेंसिटी कम है और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो हम इस लेंथ में हमें थोड़ा सा जो कर्ल्स करते हैं, तो अगर आप पूरा स्पाइरल कर्ल्स करोगे तो आपकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि कर्ल्स जो है हमेशा ऊपर की साइड चढ़ते हैं तो उसमें लेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो जो आप स्टाइलिंग करोगे वो लुक प्रॉपर नहीं आएगी। तो देखिए गाइस, मैं बिल्कुल मतलब फ्री हैंड कर्ल्स कर रहा हूँ, बिल्कुल ही लूज कर्ल्स कर रहा हूँ, बस प्रेसिंग को कहीं भी नहीं रोक रहा हूँ ज़्यादा टाइम तक। तो इससे क्या है, थोड़े कर्ल्स जो आपके लूज बनेंगे, और जो स्टाइलिंग आप देना चाहते हो मतलब लूज फ्लफी कर्ल्स करोगे तो वो इजीली बन जाएंगे। तो गाइस, इसमें जो मेन है आपको वर्टिकल सेक्शन निकाल लेने हैं, और देखिए गाइस, एक साइड से हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम फ्रंट से बॉक्स सेक्शन को सेपरेट अलग निकाल के रख देंगे। उसमें से हमने दो सेक्शन लिए हैं, और फर्स्ट सेक्शन को भी हम आउट कर्ल्स करेंगे, और इसमें जो कर्ल्स कर रहे हैं आगे के इसको थोड़ा सा हम टाइट रखेंगे, क्योंकि फ्रंट से जो लुक बनेगा गाइस काफ़ी ज़्यादा हमें शानदार लुक देना है, तो फ्रंट के जो हेयर्स हैं उसके हम कर्ल्स जो है थोड़े से टाइट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमने बैक के करे हैं। इसी तरीके के हमारे हेयर कर्ल्स जो है हम गाइस दूसरी साइड से करेंगे, और दूसरी साइड से भी हमें सेम वर्टिकल सेक्शन निकाल लेना है। और गाइस, आपको दूसरी साइड सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने हमने वन साइड से कर्ल्स किए थे, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, वो कर्ल्स की डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैन रखती है गाइस। मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर जब आप लेफ्ट साइड से कर्ल्स कर रहे हो तो आपको जो हेयर को टर्न करना है वो राइट साइड करना है, अगर राइट साइड से खड़ोगे आप कर्ल्स कर रहे हो हेयर को आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है। तो गाइस, दूसरी साइड भी हमने सेम कर्ल्स वैसे किए थे, वो कर्ल्स हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। और गाइस, जो कर्ल्स हमारे हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमें शोल्डर पे किस तरीके से हमें कर्ल्स एक स्टाइलिंग देनी है। गाइस देखिए, कर्ल्स को सबको मैंने एक ही डायरेक्शन में कर्ल्स को लपेट लिया है, और इसको हाथों की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े पुल कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे क्लाइंट के कर्ल्स है काफ़ी ज़्यादा फ्लफी लगे और ऐसा लगे कि हेयर की जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक एक को हम मतलब एक एक कर्ल्स को हम देखिए गाइस पुल करेंगे, और साथ ही साथ हम हेयर पे स्प्रे करते रहेंगे, साथ साथ आपको लॉक करते जाना है, जैसे कि आप कोई पुल कर रहे हो कोई सेक्शन उसे साथ साथ स्प्रे करना है। और गाइस, ये वाले कर्ल्स आपके लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कर्ल्स जल्दी खुलेंगे, क्योंकि हमने सारे कर्ल्स को एक में ही सबको एक में ही लपेट दिया है और एक अच्छे से स्टाइलिंग शोल्डर पर दे दिया है। जैसे कि हमने उस वाले शोल्डर पर हमने स्टाइलिंग करी थी, सेम आपको दूसरे शोल्डर पर भी इसी तरीके से फ्लफी करने हैं कर्ल्स को, और साथ साथ में पुल करते जाने हैं, और एक फ्लफीनेस जैसे क्लाइंट के कर्ल्स आप ओपन करोगे ना गाइस, आपको ज़्यादा मतलब टाइटली हाथ नहीं चलाना है, क्योंकि जो कर्ल्स को पुल करोगे तो ज़्यादा निकल जाएंगे, तो फिर वो बिल्कुल ही मैसी से बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे, मैसी मैसी हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही ख़राब लगेंगे। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से मतलब पुल करना है, और साथ साथ आपको हेयर स्प्रे करते जाना है। और गाइस, जैसा कि हमने शोल्डर पे ये कर्ल्स को मतलब स्टाइलिंग दे रहे हैं गाइस, ये रीज़न यही है कि जब हमने सेक्शन को हॉरिजॉन्टल ना निकालते हो वर्टिकल सेक्शन लिया है, इसलिए हमारी जो शोल्डर पे जो ये लुक आ रही है आउट कर्ल्स की,
उसीलिए आ रही है क्योंकि हमने जो कर्ल्स करे वो गाइस हमने वर्टिकल सेक्शन में करे है। आप भी गाइस ट्राई करना कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन ना लेके एक बार वर्टिकल सेक्शन निकाल के शोल्डर पे इस तरीके की स्टाइलिंग देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये शोल्डर पे जो हमने कर्ल्स को स्टाइलिंग दी है वो आपको कैसी लग रही है। और काफ़ी ज़्यादा ईजी स्टेप है गाइस, कोई ज़्यादा हार्ड हेयर स्टाइलिंग नहीं है। आप भी करना चाहो काफ़ी ज़्यादा ईजिली और अच्छी हो जाएगी, और काफ़ी कम समय में ये स्टाइलिंग आपकी हो जाएगी। और गाइस देखिए पफ का सेक्शन हमने सेपरेट करके रख लिया है, और आगे का जो ये बॉक्स सेक्शन है गाइस उसकी जो है हम मिडल पार्टिंग निकालेंगे, क्योंकि हमारी क्लाइंट का जो है वो मांग टीका है। पहले हम आपको मांग टीका लगा के दिखाएंगे, देन हम आगे का फ्रंट की स्टाइलिंग करेंगे। और गाइस मांग टीके के लिए हम धागा जो काफ़ी लोग लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं, आप वो एक ऑप्शन होता है, वो भी लगा सकते हो। हम क्लाइंट के ही हेयर लेंगे, और गाइस आपको हेयर वहाँ से उठाना है जहाँ आपको मतलब पता चले कि यहाँ पे हमें लॉक लगाना है, और हेयर में आपको जो मांग टीका का लॉक है उसे लॉक कर लेना है। देन पीछे हेयर को ले जाके पिनअप आपको कर देना, और आपको बॉब पिन लगानी है, 2 से 3 अच्छी तरीके से बॉब पिन लगानी है ताकि जो मांग टीका आपका आगे की साइड ना आए। और गाइस ये हेयर से लॉक करने का स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस काफ़ी लोग थ्रेड लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। मेरे को काफ़ी मतलब इजी यही लगता है, तो मैं ज़्यादातर हेयर से ही मांग टीके को होल्ड करता हूँ। और गाइस आपको ये जो पफ सेक्शन निकाला है आपको इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है, साथ ही साथ आपको हेयर स्प्रे करते जाना है, और एक हल्का सा लिटिल बिट वॉल्यूम देंगे। प्रॉपर इसको हम पिनअप नहीं करने वाले, बस पफ की एक शेप देंगे, और बैक कॉम्बिंग करके साथ साथ हेयर स्प्रे करके इसको तो हल्के से नीट एंड क्लीन करेंगे कॉम की मदद से, और इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे कॉम से, और जैसे ही आपका जो मतलब फिनिशिंग हो जाए उस पर आप स्प्रे कर दीजिएगा, और जो बैक के जो हेयर बचे हैं इनको भी आपको कर्ल्स कर लेने हैं गाइस। और बैक के हेयर जो है वो कर्ल्स आपको मैं बाद में करके दिखाऊंगा, और जो फ्रंट का जो गाइस सेक्शन है उसको भी आपको आउट कर्ल्स कर लेने हैं गाइस, और उस कर्ल्स को आपको मर्ज कर देना है जो आपने शोल्डर पर स्टाइलिंग करी थी कर्ल्स को, उसी के साथ आपको ये मर्ज कर देना है। और गाइस मर्ज आपको किस तरीके से करना है देखिए, कल्स हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से पुल करना है, और साथ साथ आपको हेयर स्प्रे करना है, और जो एंड्स के जो कल्स का जो पॉइंट बचेगा और शोल्डर के जो बाल है उसमें ही आपको इन कल्स को टर्न कर देना है। और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के करने गाइस, और मिडल पार्टिंग इसलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि जो मांग टीका है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी जो चैन है वो मोटी है, तो आप पार्टिंग लोगे तो बीच में गैप आएगा। इस वाली हेयर स्टाइलिंग में गाइस मिडिल पार्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने क्लाइंट का मांग टीका देखा था तो मैंने तभी एक स्टाइलिंग सोच ली थी कि ये स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी इस मांग टीके पर। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे सैलून से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है, तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि आपने देखा फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बैक के जो कल्स है जो हमारे रह रहे थे गाइस उसे हमें कल्स करने हैं, और उन कल्स को गाइस आपको थोड़े पतले सेक्शन लेने हैं, ज़्यादा मोटे मोटे सेक्शन नहीं लेने हैं। और गाइस कल्स हम जो कर रहे हैं गाइस वो आउट कल्स कर रहे हैं गाइस। गाइस चलिए गाइस फाइनल लुक पर हम चलते हैं, और गाइस ये हमारी फाइनल लुक। और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं गाइस अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।